सुबह ये काम जरूर करे, हर मनोकामना होगी पूरी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आप सभी को जानते हैं, घर में बरकत लाने के लिए हर व्यक्ति को रोजाना इन कुछ कामों को जरूर करना चाहिए, जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। दोस्तों बहुत बार तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप मेहनत तो बहुत सारी करते होंगे, लेकिन मेहनत करने के बाद भी आपके घर की बिल्कुल भी बरकत नहीं होती होगी और हमें यह सब मैं हर समय सिर्फ असफलता ही मिलती होगी और हमारे घर में धन की बढ़ोतरी भी नहीं हो पाती होगी। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि घर में कई बार जब नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाती है या फिर देवी देवता या पितरों का आशीर्वाद हमारे ऊपर नहीं होता है, तो उस वजह से हमारे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक और पारिवारिक परेशानियों का हम पर बहुत बढ़ जाता है और हमें इन सभी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों कई बार तो हमारे साथ ऐसा होता होगा कि हमारे बनते बनते काम भी बिगड़ जाते होंगे। ऐसे में आप भी चाहो तो इन उपायों को अपने घर में आजमा सकते हो। दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार यह स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि किन उपायों को करने से व्यक्ति के घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। दोस्तों इसके साथ ही व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि, ऐश्वर्य और धन संपदा की भी प्राप्ति होना शुरू हो जाती है। दोस्तों चलिए हम आपको बताएंगे कि बरकत पाने के लिए आपको रोजाना कैसे कौन कौन से 10 काम करने चाहिए, जिनको अपने घर में करने से हमारे घर में परेशानियाँ दूर हो जाती है और हमारे घर में सुख समृद्धि, ऐश्वर्य और बरकत शुरू हो जाती है। दोस्तों हम आपको बताएंगे कि बरकत पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों नंबर 1 है, अगर आप किसी भी मांगलिक या फिर शुभ काम को कर रहे हैं तो उसमें कपूर का बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि घर में कपूर जलाने से हमारे घर से वास्तु दोष के साथ साथ हमें नकारात्मक ऊर्जा से भी छुटकारा मिल जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि सप्ताह में एक बार कपूर तो अवश्य ही जलाना चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का बहुत अधिक वास होने लग जाता है। प्रकृति का तो यही नियम होता है कि जितना आप देते हैं उससे दुगना आपको प्रकृति लौटा देती है। यदि आप धन और धान्य को पकड़ कर रखेंगे तो वह छोड़ना पड़ जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान है अन्न का दान। दोस्तों धन दान करने से हमारे घर में अन्न के भंडार भरे रहते हैं और हमें कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। बिस्तर पर बैठकर कभी भी आपको खाना नहीं खाना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से हमें बुरे सपने आते हैं और घर में जूते चप्पल इधर उधर बिखेर कर या फिर उल्टी सीधी कर हमें बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इससे हमारे घर में लगातार अशांति उत्पन्न होती जाती है और दरिद्रता आती है। दोस्तों नंबर 2 है, पति पत्नी में प्रेम बढ़ाने के लिए आपको अपने बेडरूम में कपूर अवश्य ही जलाना चाहिए। यदि पति पत्नी में अक्सर तनाव की स्थिति बनी रहती है तो रात को सोने से पहले अपने कमरे में कपूर जलाकर आपको धूप अवश्य दिखानी चाहिए। इससे कमरे के अंदर से नकारात्मकता दूर हो जाती है और सकारात्मकता का प्रभाव बढ़ने लग जाता है, जिससे तनाव को दूर करने में बहुत बड़ी सहायता मिलती है। दोस्तों कहा जाता है कि प्रतिदिन ऐसा करने से पति पत्नी के बीच का तनाव बहुत जल्दी दूर हो जाता है और रिश्ता एकदम से प्रेम से और मजबूत बनता है। दोस्तों नंबर 3 है, घर में प्रवेश करने हेतु एक द्वार ही रखें। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर 3 दरवाजे भूलकर भी नहीं बनाने चाहिए, यह बिल्कुल भी शुभ नहीं होते हैं। घर में प्रवेश हेतु उत्तर और पूर्व दिशा बहुत ही ज्यादा शुभ मानी जाती है। दोस्तों दक्षिण दिशा में भूलकर भी द्वार न रखें, इससे घर में नकारात्मक शक्ति का धीरे धीरे आगमन होता जाता है। दोस्तों कभी भी जूते चप्पल आदि पहनकर भोजन नहीं करना चाहिए। दोस्तों सुबह
कुल्ला किए बिना पानी या फिर चाय भी नहीं पीना चाहिए, झूठ हाथों से या पांव से। कभी भी ब्राह्मण तथा अग्नि को स्पर्श नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से हमारे घर में दरिद्रता बहुत जल्दी अपने पैर पसार लेती है। धार्मिक और वास्तु शास्त्र के नजरिए से तुलसी का पौधा बहुत ही ज्यादा पूजनीय और सकारात्मक प्रभाव देने वाला होता है। दोस्तों, तुलसी के पौधे में साक्षात भगवान नारायण और माता लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी के पौधे में कई तरह के औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार कहा जाता है, जिस घर में तुलसी का पौधा उत्तर दिशा में लगा होता है, वहां पर हमेशा खुशहाली और तरक्की और सकारात्मकता बनी रहती है। और जो व्यक्ति सुबह शाम तुलसी के नीचे एक दीपक चलता है और तुलसी में जल अर्पित करता है, उसके जीवन में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती है। दोस्तों, नंबर 4 है, भोजन की थाली को हमेशा चटाई चौक या टेबल पर या पाटे पर सम्मान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से ना पकड़ना चाहिए, ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। दोस्तों, भोजन करने के बाद आपको कभी भी भूल कर भी थाली में ही हाथों को नहीं धोना चाहिए और ना ही कभी भी थाली में जूठन छोड़ना चाहिए। भोजन करने के बाद थाली को कभी भी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे उसके उचित स्थान पर जहाँ पर बर्तन साफ होते हैं वहाँ पर ही रखना चाहिए। दोस्तों, रात्रि में भोजन के झूठे बर्तन घर में रखे ना रहने दे। भोजन करने के बाद आपको उन बर्तनों को साफ एवं स्वच्छ जरूर कर देना है। और दोस्तों, जब भी आप भोजन करने बैठे तो उससे पहले देवताओं का और पितरों का आवाहन जरूर करना चाहिए। भोजन करते वक्त कभी भी आपको वार्तालाप या फिर क्रोध नहीं करना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ बैठ कर भोजन करना चाहिए। भोजन करते वक्त अजीब सी आवाज नहीं निकालनी चाहिए। दोस्तों, रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से माता लक्ष्मी का निरादर होता है। दोस्तों, आत्म समृद्धि चाहने वालों को तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक संकट रहते हैं, उन्हें इनका सेवन रात के भोजन में कभी भी नहीं करना होगा। दोस्तों, भोजन सदैव पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके ही करना चाहिए। संभव हो सके तो रसोई घर में ही बैठकर भोजन कर लें, इससे हमारे घर में राहु दोष शांत होता है। दोस्तों, नंबर 5 है, कहा जाता है कि माता लक्ष्मी को साफ सफाई अत्यधिक पसंद होती है, इसीलिए उनकी कृपा अगर आप पाना चाहते हैं तो अपने घर के मुख्य दरवाजे को सदैव साफ और सुथरा रखें। घर के बाहर आपको भूलकर भी गंदगी फैलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। है गंदगी फैली होने पर हमारे घर में नकारात्मकता बढ़ने लग जाती है। दोस्तों, घर की उत्तर दिशा में आपको मनी प्लांट जरूर लगाना चाहिए, यह बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। इसके लिए हरे रंग के गमले का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप घर को हरा भरा बनाना चाहते हैं तो इसी दिशा में कई और पौधे तथा बेल भी आप लगा सकते हैं। दोस्तों, नंबर 6 है, पूजा के समय सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं, उसमें 2 लोग भी डालें। आप चाहे तो यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ की चला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं का और मित्रों का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा, जिस वजह से लगातार आपके घर में वृद्धि होती रहेगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या फिर बाद में आपको झाड़ू कभी भी नहीं लगानी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी हमारे घर से सदा सदा के लिए चली जाती हैं और माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी का हमारे घर में वास हो जाता है, जिस वजह से हमारे घर में दरिद्रता कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। दोस्तों, नंबर 7 है, घर में जब भी रोटी बनाई तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध के छींटे आपको जरूर करने चाहिए। ऐसा करने से हर तरह के दोषों से आपको निजात मिल जाती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं और उसके बाद इस रोटी में एक आटे की लोई और थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी रख लें।
और रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि इससे हमारे कुंडली में हर प्रकार के दोषों से हमें मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, इसके साथ ही जब आप अंतिम रोटी बनाएं, तो उस रोटी को कुत्ते के लिए निकाल दें और उसे कुत्ते को खिलाएं। ऐसा करने से हमारे जीवन में बरकत होना शुरू हो जाती है। इसके साथ ही जीवन में तरक्की, सुख, समृद्धि आती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि सूर्यास्त के समय या फिर सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी को अपने घर में भूल कर भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी हमसे रूठ कर चली जाती है और वह हमारे घर को छोड़ देती है, जिस वजह से हमारे घर से दरिद्रता कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। दोस्तों, नंबर 8 है, संध्या काल में अनिष्ट शक्तियों प्रबल होने के कारण इस काल में निम्नलिखित बातें निश्चित बताई गई हैं। सोना खाना पीना, गालियां देना, झगड़ा करना या फिर असत्य बोलना, अभद्र व्यवहार करना, क्रोध करना, पाप करना, श्राप देना, यात्रा के लिए निकलना, शपथ लेना या फिर धन लेना या देर रात तक वेद मंत्र का पाठ, शुभ कार्य करना, चौखट पर खड़े होना, उपरोक्त नियम का आपको पालन नहीं करने से जहां एक और बरकत चली जाती है, वहीं व्यक्ति कई तरह के संकटों से घिर जाता है। जहां मदिरा सेवन, स्त्री अपमान, तामसिक भोजन और अनैतिक कृतियों को महत्व दिया जाता है, उनका धन दवा खाने, जेल खाने और पागल खाने में ही खर्च होता रहता है। यदि आप अपार धन की अपने जीवन में इच्छा रखते हैं, तो सबसे पहले हनुमान जी से अपने पापों की आपको क्षमा मांग लेनी चाहिए। प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते हुए 5 मंगलवार बट के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उनके मंदिर में रख कर आना चाहिए, जिससे हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे। तो पहले ग्रह और ग्रह दशा में सुधार करना होगा और फिर धन प्राप्ति के मार्ग आपके जीवन में खुल जाएंगे। दोस्तों, नंबर 9 है, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का रसोई घर दक्षिण पूर्व दिशा में ही होना चाहिए। किचन की दीवारों पर लाल, नारंगी और गुलाबी रंग आपको अवश्य करवाना चाहिए, जबकि ड्राइंग रूम और काम करने का स्थान उत्तर दिशा में होना बहुत ही शुभदायक होता है। उत्तर दिशा में डस्टबिन, वॉशिंग मशीन, झाड़ू और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भूलकर भी इस दशा में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर में लगातार धन की हानि होती रहती है। दोस्तों, घर के बाहर उत्तर दिशा में गूलर आग का या फिर पीपल आदि का वृक्ष भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए, इसे नेत्र संबंधी बीमारियां उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। साथ ही घर में बैर, केला और अनार के पेड़ भी नहीं लगाने चाहिए, इससे हमारे घर की बरकत रुक जाती है और हमारे घर में परेशानियां शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, नंबर 10 है, वास्तु शास्त्र में बेवजह नल का पानी टपकना हमारे धन की हानि की ओर स्पष्ट संकेत करता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार टंकियां से पानी टपकना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। जिन घरों में नल का पानी सदैव टपकता रहता है, वहां सुख समृद्धि ज्यादा देर तक नहीं रह पाती है। घर में सुख समृद्धि और शांति के लिए इस नल को फौरन ही आपको बंद करवा देना चाहिए। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में कई ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं, उनमें से बृहस्पति ग्रह को सुख समृद्धि का और संपन्नता का बहुत बड़ा कारक माना जाता है। जीवन में गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए पानी में आपको थोड़ा सा नमक और हल्दी मिलाकर अपने पूरे घर में पोछा लगाना चाहिए। इस उपाय से जीवन में हमेशा तरक्की की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, नंबर 11 है, घर में कर्ज व बीमारी कभी भी समाप्त नहीं होती है, बल्कि लगातार बढ़ती जाती है। तो आपको इनसे बचने के लिए घर की दक्षिण पश्चिम कोने में एक लाल बल्ब आपको जला देना है, जो हर वक्त चला रहने दे। घर में पैसा, सोना और बेसकीमती सामग्री रखने वाले अलमारी का मुंह आपको उत्तर दिशा की तरफ कर लेना है। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी माता अपना वास कर लेती है और हमारे घर में धन टिकना और बढ़ाना शुरू हो जाता है। वास्तु शास्त्र में शुक्र देव को प्रसन्न करने के लिए आर्थिक स्थिति मजबूत की जा सकती है। ऐसे में शुक्र
रदेव को प्रसन्न करने के लिए घर के मुख्य द्वार के पास सुगंधित फूलों के पौधे आपको जरूर लगाने चाहिए। इन्हें शुक्रवार के दिन लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, यह थे वह काम जो आप अपने घर में करोगे तो निश्चित ही आपको लाभ देखने को मिलेगा और आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, यह थी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। अगर आपको हमारे द्वारा की गई मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो वाला करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को जरूर दबा देना और कमेंट बॉक्स में अगर हम महादेव से रेम करते हो तो हर हर महादेव अवश्य लिखना। धन्यवाद।